मेरा नमस्कार। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। रूल 267 के तहत हम लगातार 11 दिन से ये मणिपुर का विषय उठा रहे हैं और मणिपुर ये सब्जेक्ट या किसी छोटी मोटी घटना नहीं है, ये तो देश का बहुत बड़ा एक घटना है और खास करके हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, अपने विचार रखे, क्योंकि सिर्फ होम मिनिस्टर का सवाल नहीं है और जो चीज़ें प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जो सूचनाएं उनको मिलती है, वो सारी सूचना होम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और आज पूना में है। और ऐसी कौन सी बड़ी वहाँ पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहाँ पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं, कहीं भी जाने दो अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं। और जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं, अरे भाई आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे, हम जवाब देंगे, विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, बट ही इज गोइंग आउटसाइड एंड टेलिंग, जस्ट ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑल दीज थिंग्स टू मेक इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इलेक्शन स्पीचेस ही इज मेकिंग, ही इज डूइंग, बट ही इज नॉट रेडी टू डू वन स्मॉल स्टेटमेंट इन द हाउस ऑन मणिपुर इश्यू, वेयर मोर देन 200 पीपल हैव डाइड, 5,000 पीपल आर इंजर्ड, नियरली 60,000 पीपल आर वेकेटेड देयर हाउसेस, मोर देन मेनी हाउसेस डिस्ट्रॉयड, सब कुछ वहाँ पर हुआ है। ये होते हुए भी वहाँ पर ये मोदी जी आकर बात करना नहीं चाहते और हमको बार बार ये कहते हैं, सरकार के ओर से भी शायद मैं आज चेयरमैन साहब से हम विनंती किए, भाई 267 और 176 में बहुत फर्क है, अंतर है। 176 में 2-2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है, लेकिन 267 में लंबी चर्चा हो सकती है, हर एक पार्टी के लोग बात कर सकते हैं और 2.5 घंटे अगर पार्लियामेंट में आप समय तय किए तो एक एक पार्टी, जो मेजर पार्टी है उसको 15 मिनट मिलेगा, बाकी के लोगों को 10 मिनट मिलेगा और जो छोटी पार्टियां एक एक या 2 मिनट मिलेगी। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना, इतने लोग, एक तरफ स्त्रियों का नंगा परेड हो रहा है, मार रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, मोटर कार घर जल रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है? और वो कहते हैं कि अपने होम मिनिस्टर 3 दिन वहाँ थे,
अरे भाई 3 दिन वहां अगर थे मणिपुर में, फिर ये समस्या को सुलझाया क्यों नहीं, अभी बढ़ रहा है क्यों? ये हमारा उनको पूछना है और उसका उत्तर क्या मिलता हमको वो भी देखना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।